हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक व्हिच इज नोन एज कॉस्ट अफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी कॉस्ट जो रहेगी वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव रहेगी, कम रहेगी। मटेरियल का हमने जो नेचुरली इतने सालों से यूज करते हुए आ रहे उसका कहीं ना कहीं हम कुछ रिप्लेस करेंगे। जैसे हमने ईंटों के अंदर कुछ रिप्लेस कर देंगे, हम कॉन्क्रीट के अंदर कुछ रिप्लेस कर देंगे, हम किसी किसी मटेरियल में कुछ कुछ रिप्लेस करके कुछ नया बनाएंगे और उन सभी चीजों की कॉस्ट को कम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मटेरियल व्हिच इज नोन एज फ्लाई ऐश ब्रिक। आप सभी ने ये टाइप की ब्रिक्स देखी होंगी। ये जो ब्रिक्स रहती है इसमें सीमेंट जैसी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, बट इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है वो फ्लाई ऐश का रहता है। अब फ्लाई ऐश कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्रियल एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि चिमनीज वगैरह में से जो भी धुआं वगैरह, जो भी एशेज वगैरह निकलती है उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया में ये है कि हमको फ्लाई ऐश डिस्पोज करने की जगह नहीं मिलती। तो एक तरीका ये रहता है कि फ्लाई ऐश जो भी रहती है, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो वहां पर उसको फ्लाई ऐश को डिस्पोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाई ऐश क्या है, अगर ये फ्लाई ऐश अगर हमारे नाक में जाएगी, कान में जाएगी, आंख में जाएगी, तो इसको हमको बहुत सारी लंग्स डिसीजेज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज, ऐसी बीमारियां हो सकती है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप इसको ब्रिज कंस्ट्रक्शन में एज अ फिलिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश है ये दबती नहीं है। बाकी मिट्टी क्या होती है, दब जाती है, तो ये फ्लाई ऐश कभी भी दबती नहीं है। साथ ही साथ आप इसको ब्रिक्स बनाने में यूज कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ द हमारी क्ले ब्रिक्स के कंपैरिजन में। तो जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स रहती है इसके अंदर जो हमारा फ्लाई ऐश का कंपोजिशन है दैट इज अबाउट 50% एज यू कैन सी इन द डायग्राम। These are the various types of fly ash bricks. Okay? अब इस fly ash bricks में क्या करा हमने, 50% fly ash डाल दिया है और 50% हमने इसके अंदर दूसरा मटेरियल डाला है। दूसरा मटेरियल जैसे या तो एक बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट ले सकते हैं, लाइम ले सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल लेके उसको बाइंडिंग का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इसमें सेंट का परसेंटेज रहेगा अबाउट 40-45% के आसपास। इस ब्रिक्स को भी वैसे ही बनाया जाता है जैसे हम हमारी नॉर्मल ब्रिक्स को बनाते हैं। क्या करना है, सारा मटेरियल लेना है, मिक्सिंग करनी है और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बेल्ट कन्वेयर के थ्रू कंप्रेस करके पास करना है। वो कैसे होता है वो अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे। सो आप इस टाइप की जो ब्रिक्स है उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं अपनी ऑर्डिनरी ब्रिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी जो नॉर्मल रेड ब्रिक्स रहती है जो कि क्ले ब्रिक्स रहती है, आप उसके साथ इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें 50% तो फ्लाई ऐश ही यूज करा है जो कि हमको फ्रीली मिल जाता है। ये जो फ्लाई ऐश मटेरियल है, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल तो मिल रहा है, बट इसमें जो कॉस्ट आती है वो मेनली आती है ट्रांसपोर्टेशन की। क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होती है, तो हमको इसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल वगैरह, जैसे हमने पढ़ा था टिप्ड ट्रक वगैरह, तो इन सब के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो भी कॉस्ट आती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। ओके, फिर इसके बाद सेकेंड मटेरियल इसके अंदर हम यूज करेंगे सीमेंट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5-8% के आसपास रहेगा, ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आ सके, उसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी हो सके। अगर आप सीमेंट यूज नहीं कर रहे तो आप इसके अल्टरनेटिवली लाइम भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है सैंड, जिसका एक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट इज अबाउट 40-42% के आसपास रहेगा। जैसे अगर फ्लाई ऐश 50% हो गई, सीमेंट 5-6% हो गई, सैंड 40-45% हो गई और पानी जरूरत अनुसार। जरूरत अनुसार मतलब डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक इंडियन स्टैंडर्ड बना है। जैसे हमारे पास ब्रिक का एक इंडियन स्टैंडर्ड है, वैसे इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड बना है, दैट इज IS 12894। कौन सा? 12894, ये बना था 2002 में। तो इसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमको हमारी फ्लाइट्स बनाने की अनुमति मिलती है और हमको ये पता चलता है कि हमको किस स्टैंडर्ड्स के थ्रू उसके डायमेंशंस वगैरह क्या फॉलो करना है। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स का क्या। ये एक इस टाइप की ब्रेक है जिसको हम 100% रिप्लेस कर रहे हैं हमारे कन्वेंशनल ब्रेक के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये जो ब्रिक है इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपैरिजन विद द नॉर्मल ब्रिक्स। मींस वी कैन से अबाउट इट विल गोइंग टू गिव अबाउट 20% मोर स्ट्रेंथ एज कंपैरिजन विद द कन्वेंशनल ब्रिक। साथ ही साथ ये जो ब्रिक है ये 20% सस्ती है एज कंपैरिजन विद द कन्वेंशनल ब्रिक। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिल रही है और यहाँ पे आपको कॉस्ट सेविंग भी हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन cost effective construction technique and these bricks are eco friendly also and these bricks ke jitne bhi humko specifications mili hai, guidelines mili hai, these all are from the central public work department।
साथ ही साथ इस ब्रिक की एक खासियत ये भी है कि हम इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो भी हमारा फ्लाई ऐश है। तो हमको फ्लाई ऐश जो डिस्पोज करने की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म होती जा रही है, साथ ही साथ हम इसको हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज भी कर पा रहे हैं। तो अब इसके लिए अगर हम इकोनॉमिक बात करें तो इकोनॉमिक मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग द 20% इन द कॉस्ट सेविंग, साथ ही साथ हमारे कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कार्बन फुटप्रिंट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम क्ले को खत्म नहीं कर रहे, तो ये वाली चीज भी हो रही है। साथ ही साथ जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है हम उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि वेस्ट को भी हमको मिनिमाइज करना है, साथ ही साथ हमको हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी खत्म होने से बचाना है। सो दिस ऑल वी आर डूइंग साइमल्टेनियसली। ओके, अब इस टाइप की ब्रिक्स आप तभी बना पाएंगे जब आपके आसपास कोई थर्मल पावर प्लांट होगा। अगर थर्मल पावर प्लांट ही नहीं है तो वहां पे फ्लाई ऐश जनरेट नहीं होगी, फ्लाई ऐश जनरेट नहीं होगी तो इस टाइप की ब्रिक्स आप नहीं कर सकते। बट थर्मल पावर प्लांट्स आपको हर सिटी में, हर स्टेट्स में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। बट दिक्कत वहां पर आ सकती है कि वो हो सकता है कि आपकी डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप विच इज नोन एज फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ओके, सो दिस इज एन फ्लो चार्ट विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एक पर्सन है जो फ्लाई ऐश से सारे मटेरियल्स वगैरह ले रहे हैं, उसको सारे बैंडिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर एक कन्वेयर मेटल से जा रहे हैं और पैन के अंदर सारा मटेरियल जो है वो मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद ये सारे आप मोल्ड्स वगैरह के अंदर इसको फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद इसको आप सुखा रहे और सुखाने के बाद ये आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूटिलाइज कर पा रहे। सो दिस इज एन ओवरव्यू हाउ द ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब सेकेंड टाइप की ब्रिक्स आती है विच इज नोन एज राइस हस्क ऐश, मतलब जो हमारे चावल के दाने पे जो छिलके निकलते हैं उसकी मदद से अपन क्या कर रहे हैं, ईंटों के अंदर डाल रहे हैं ताकि हमारे ईंटों की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी अल्टीमेटली बढ़ जाए। अब राइस हस्क ऐश कहाँ से आ रहा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के वेस्ट से आ रहा है, मतलब एग्रीकल्चर का जो रेसिड्यू है उसी चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। आप ऐसा मानिए अगर हम 50 करोड़ टन अगर हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना 50 करोड़ टन अगर हम राइस का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये 50 करोड़ टन के अगेंस्ट में मुझे 10 करोड़ टन जो है वो राइस हस्क की ऐश मिल रही है। अब आप सोचिए, पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, पंजाब क्या है सबसे ज्यादा राइस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर ये वाली चीजें भी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अब हमको इस चीज को भी खपाना है या इस चीज को भी मिनिमाइज करना है ताकि ये हमको एज अ डीकम्पोज नहीं करना पड़े, एज अ डिग्रेड नहीं करना पड़े। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी हम हमारे कॉन्क्रीट के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा हमारे कॉन्क्रीट के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हमारा जो नॉर्मल सीमेंट का कंपोजिशन है वो भी 8-10% कम हो जाएगा। मतलब अगर आप सोचिए ओवरऑल अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं उसमें 10 करोड़ आप किलो सीमेंट आपको लग रही है, तो 10 करोड़ का अगर आप 10% भी निकालेंगे तो 1 करोड़ सीमेंट आपको कम लगेगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अल्टरनेटिव। और साथ ही साथ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो कि हम IS को फॉलो करते हैं, IS 4, 5, 6, 2000, उसमें भी राइस हस्क के बारे में बताया है कि आप राइस हस्क उस कॉन्क्रीट में डाल सकते हैं। बट एक चीज है कि आपको ये नहीं बताया गया कि हाउ मच क्वान्टिटी यू हैव टू एड इट। सो यू कैन डू अ वेराइटी ऑफ रिसर्च, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर इसके साथ बहुत सारी रिसर्च करी और ये पाया गया है कि वी कैन एड अबाउट 15-20% ऑफ द राइस हस्क इन द कॉन्क्रीट। ओके, तो जब भी मुझे कुछ बनाना है तो उसके लिए मेरे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या आएगी, मैं सबसे पहले राइस हस्क ले लूंगा, दैट कैन बी अबाउट 15-20%, और बाकी की मेरे सारे कंपोजिशन विल बी सिमिलर, जैसे सीमेंट एज पर द प्रपोर्शन, सैंड एज पर द प्रपोर्शन, aggregate will be as per the proportions. So what are the advantages? जितना भी agriculture waste था हम इसको reutilize कर रहे हैं, इससे stability मिल रही है, साथ ही साथ हमारा conventional concrete से हल्का भी होगा। क्यों हल्का होगा? क्योंकि rice husk जो रहता है वो थोड़ा सा light in weight रहता है। ओके, साथ ही साथ इसमें impermeability, durability, ये सारी strength भी हमारी धीरे धीरे improve होगी। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास alkali azide और alkali aggregate reaction होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? अल्कली अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन से क्या होता है, उसका जो एक्सपांशन है वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कंक्रीट क्या करता है, हीट को रिलीज करता है तो कंक्रीट एक्सपांड होने की कोशिश करता है, तो ये अल्कली एग्रीगेट की जो रिएक्शन होती है ये उस चीज को
रिड्यूस करती है, एक्सपांशन होने से रोकती है, साथ ही साथ अगर इसके बीच में कुछ पोर्स वगैरह होते तो ये सारी चीजें उससे मिनिमाइज कर देती है, उसको फुल कर देती है। तो अल्टीमेटली क्या बोलेंगे, अगर आपने राइस कस डाला है तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, इको फ्रेंडली होगा। साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, 15-20% तक सीमेंट की सेविंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगेन ये भी क्या कर रहा है, आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट यूटिलाइजिंग 10% सीमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द 10% ऑफ राइस कस ऐश इन द कंक्रीट। ओके, सो सेकंड इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट। सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट मतलब हमने क्या करा है, हमारे कॉन्क्रीट के अंदर कुछ फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा इसके अंदर हमने क्या करा है, फॉर्म्स वगैरह डाल दिए। इससे क्या हुआ, मेरा स्ट्रक्चर का जो वेट था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अब जहां पर मुझे स्ट्रेंथ का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, वहां पे मैं क्या करूंगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर्म डाल दूंगा, जिससे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मल कंक्रीट की बात करूं तो नॉर्मल कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2500 kg पर मीटर क्यूब। बट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स इनटू द स्ट्रक्चर, तो उसकी जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 250 से 1600 kg तक आ जाएगी। मतलब आप सोचिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा हल्का हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी मदद से मिल रहा है, सीमेंट की मदद से, साथ ही साथ इसके अंदर वाटर है, प्लस साथ ही साथ इसके अंदर फोम है। आप अगर इसके अंदर सैंड वगैरह डालेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट हम यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं कर रहे। दिस इज बीइंग यूटिलाइजिंग फॉर द पार्टीशन वॉल्स वगैरह इसके हिसाब से। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स तो मैंने डाल दिए, तो ये मेरे लिए क्या काम आएगा, एज अ इंसुलेशन काम आ सकता है। क्यों इंसुलेशन, जहाँ पे मुझे हीट का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो इस टाइप की जो हमारे पास सीएलसी मतलब सेल्युलर लाइटवेट मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशन। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज मोर यूटिलाइजिंग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, सबसे पहले जब इसके अंदर अपन ने फॉर्म डाल दिया तो इसका ओवरऑल वजन कम हो गया, सो इट इज लाइट इन वेट। साथ ही साथ जब वजन कम हो गया तो आप इसको ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग वगैरह आपका ईजी हो जाएगा। इट गोइंग टू हैव द बेटर फायर रेजिस्टेंस, इट विल गोइंग टू हैव द थर्मल इंसुलेशन, बेटर थर्मल इंसुलेशन, साथ ही साथ अकोस्टिक इंसुलेशन भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, फॉर्म अपनी आवाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगा। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और इट विल गोइंग टू हैव द बेटर फ्रीजिंग इश्यूज। अगर मैं इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो दिस इज हैविंग अ वेरी लेस कॉस्ट एज कंपेरिजन विद द कन्वेंशनल कॉन्क्रीट। क्यों? कंक्रीट के अंदर सैंड आ गया था, एग्रीगेट आ गया था, तो उसका ओवरऑल वजन बढ़ गया था और ओवरऑल डेंसिटी बढ़ गई थी। बट यहाँ पे इसकी डेंसिटी आप देखिए कि जब इसकी लोएस्ट कंडीशन में बात करें तो डेंसिटी इज अबाउट ओनली 10% ऑफ द टोटल वन। सो अगेन ये हमको कार्बन फुटप्रिंट में भी काम करेगा और इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो भी ऑब्वियसली कम रहेगी। सो दिस इज एन डायग्राम विच शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या क्या चाहिए हमको, फोमिंग एजेंट चाहिए, फिर फ्लाई ऐश चाहिए, फिर सीमेंट चाहिए और वाटर चाहिए। अब इन सारों को आप मिक्स करेंगे, आइदर यू कैन कैरी फ्रॉम द पंप, आइदर यू कैन कैरी फ्रॉम द जनरेटर, आइदर यू कैन कैरी फ्रॉम द बेल्ट कन्वेयर। तो इन सभी को मिक्स करने के बाद आप उसको ट्रॉली वगैरह में ले जाएंगे और ये सारा मटेरियल को मोल्ड्स वगैरह में फिल कर देंगे। जब ये मोल्ड्स वगैरह फिल होने के बाद सूख जाएंगे, सो यू कैन यूज इट फॉर योर कंस्ट्रक्शन वर्क। So I hope these three terminologies is clear to you. Next, the fourth one we are having, compressed bricks. What we are having? Compressed bricks, जिसको हम already CSB के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमने क्या करा है, एक ऐसा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लिया है और उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया है, जिससे क्या हुआ है कि आपकी ब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है, आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिली है। लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपके पास इस टाइप की जो ब्रिक्स है ये कन्वेंशनल ब्रिक्स का अल्टरनेटिव है, दैट इज नोन एज कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक्स। ओके, अब हमको क्या देखना है कि ये जो ब्रिक बनी थी ये हमारी नेचुरल मटेरियल से मिलकर बनी है, तो इसमें आपको जरूरी नहीं स्किल्ड लेबर चाहिए, आप यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर से भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक बार पूरी प्रोसेस समझ में आ गई कि हमको ब्रिक का मटेरियल लाना है, मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उसको हैंड प्रेस करके उसकी स्ट्रेंथ को अल्टीमेटली बढ़ाना है। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल और दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज मोर यूटिलाइजिंग एंड इट इज हैविंग अ मोर इको फ्रेंडली। अगर हम इसके इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट की बात करें, सो दिस ब्रिक्स आर फाउंड टू बी 20% मोर चीपर एज कंपेरिजन विद द नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रिक। मतलब अगर एक ब्रिक अगर हमारी 10 रुपए की आती है तो उसी का 20% हमको कम में ईजिली मिल जाएगी इस टाइप की ब्रिक्स।
सात, ठीक है. फिफ्थ वन इज नोन एज स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक. मतलब ये भी कंप्रेस्ड ही है बट ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा है, 5% सीमेंट ऐड करी है, या सीमेंट ना करते हुए मैंने इसके अंदर लाइम ऐड करा है. बट इस टाइप की ब्रिक में मैंने कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं डाला था, नेचुरली लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को ही मैंने दबा के ईट बनाई थी. बट इसके अंदर क्या करा है, मैंने 5% सीमेंट ऐड करी है ताकि इसकी अल्टीमेटली थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ सके. अब इस टाइप की ब्रिक में भी आपने जो बर्निंग है वो नहीं दी है, नो बर्निंग. आपने इस ब्रिक को नहीं सेका है, आपने डायरेक्टली इसको कंप्रेस करके एज अ पर्पस, कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है. अब इसके फायदे की बात करें तो ये जो ब्रिक्स है ये भी इकोनॉमिकल है एज कंपेरिजन विद दैट कन्वेंशनल ब्रिक्स. साथ ही साथ ये जो ब्रिक है वो स्ट्रॉन्गर है और हमारी एनर्जी को भी सेव कर रही है. सो दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज नोन एज स्टेबलाइज कंप्रेस अर्थ ब्रिक्स. ओके, नेक्स्ट सिक्स कैटेगरी इज नोन एज फ्लाई एश जिप्सम ब्रिक. वॉट इज नोन एज फ्लाई एश जिप्सम ब्रिक्स, FAGB. ये वाली जो ब्रिक्स है, दिस ब्रिक्स आर फाउंड टू बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड इट विल गोइंग टू रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ वाटर. अब नॉर्मल जो ब्रिक्स रहती है, हमारी कन्वेंशनल ब्रिक्स रहती है, वह अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द वाटर सोक करती है. बट दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स विल रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज हैविंग अ फ्लाई एश. फ्लाई एश को इतना पानी नहीं लगता है एज कंपेरिजन विद नॉर्मल वन. सो इट विल गोइंग टू फाउंड द चीपर एज कंपेरिजन विद दिस टाइप ऑफ ब्रिक ऑल्सो. मतलब SCEB जो हमने पढ़ा था, स्टेबलाइज सीमेंट अर्थ ब्लॉक, तो उससे भी ये और ज्यादा सस्ती है. अब इसके अंदर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर अपन ने 5 से 10% तक फ्लाई ऐश डाला है, साथ ही साथ हमने 30% सीमेंट, जो इसके अंदर 5% सीमेंट डाला था, इस 5% का भी हमने 30% और कम कर दिया. मतलब 5%, मतलब अगर आपने उसके अंदर 100 ग्राम डाला था तो 100 ग्राम का भी मैंने 30%, 70 ग्राम ही यूज कर रहा हूँ. सो, हम इस टाइप के मटेरियल्स को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेस को बचा के रखना चाह रहे हैं और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट सेवेंथ कैटेगरी इज नोन एज फ्लाई एश जिप्सम ब्रिक. ये भी फ्लाई एश जिप्सम ब्रिक्स था, फ्लाई एश लाइम जिप्सम ब्रिक्स. मैंने यहाँ पे क्या करा था, सीमेंट डाली थी. अब इस सीमेंट को भी मैंने क्या करा, और सस्ता करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर मैंने लाइम यूज कर लिया. क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीमेंट की जो एक बोरी आती है वो 50 kg की रहती है, और अगर इसकी कॉस्ट देखें मोटी मोटी तो ये 400 रुपए के आसपास रहेगी kg में, और 1 m³ में कितना होता है, 1 m³ में अप्रोक्सीमेटली 30 bags आते हैं. तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40 × 400, तो ये एक की कॉस्ट हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपए के आसपास. वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्लेक लाइम की, तो 1 m³ की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपए. अब आप ये फिगर देखिए कि 1 m³ में 30 bag आती है, एक बैग की कीमत कितनी, 400, तो 30 × 400, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए m³. इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपए m³, 1 m³ सीमेंट की. वहीं पर अगर मैं लाइम की बात करूं तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 2100 रुपए पर m³. तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, इस सीमेंट का यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दिया लाइम के साथ और उसकी ज्यादा कॉस्ट बचा ली. सो दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज नोन एज फ्लाई एश लाइम जिप्सम ब्रिक्स. ओके, लास्ट सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है हमारी नॉर्मल क्ले ब्रिक्स. ये तो आप सभी ने देखी है, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है. आप जब भी कुछ घर बनता है तो आप इसी टाइप की ब्रिक्स देखते हैं, विच इज नोन एज क्ले ब्रिक्स, जिसको आप ऑलरेडी रेड ब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाल ईट, जिसमें क्ले का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन रहता है और जो सारे हमारे मटेरियल से मिलकर बनती है, तो उस टाइप को ब्रिक्स को हम कहते हैं क्ले ब्रिक्स. नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें हमारे पास क्ले रेड मड बर्न ब्रिक्स. मड, यहाँ पर एक चीज मैंने इंट्रोड्यूस करी, मड. मड मतलब जितना भी मेरे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह निकल रहा है कोई भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज वगैरह की मदद से, तो इस चीज को मैंने इस इट के अंदर डाल दिया, तो उसको मैंने बोला क्ले रेड मड बर्न ब्रिक्स. अब इस ब्रिक्स के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं. मतलब जो चीज हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं, हम ब्रिक्स के अंदर मिला के उस चीज को मिनिमाइजेशन कर सकते ताकि मुझे उस चीज को डिस्पोज ऑफ करना आसानी से हो सके.
अब यहाँ पे रेड कलर क्यों आ रहा है? रेड कलर मुझे इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास किसका कंसंट्रेशन है, एल्यूमिना का। तो एल्यूमिना क्या करता है, मेरी ब्रिक के अंदर रेड कलर इम्पार्ट करता है, या फिर बॉक्साइट वगैरह भी ले सकते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और इन सारी चीजों से मिलकर हम क्ले, रेड, मड, बर्न ब्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, अनदर टाइप ऑफ कैटेगरी इज नोन एज प्रीकास्ट स्टोन ब्लॉक्स। दिस यू हैव सीन एवरीवेयर। एक ऐसे वेस्ट स्टोन के पीसेस से बनकर हम बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ा कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी जो कंक्रीट की रिक्वायरमेंट आएगी वो बहुत ही ज्यादा कम आएगी। मतलब ये ब्रिक्स जो रहेगी वो बड़ा साइज रहेगा नॉर्मल ब्रिक्स से, और साथ ही साथ उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो बहुत ही ज्यादा रहेगी। लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्रीकास्ट स्टोन ब्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक। ये टाइप की ब्लॉक हमको जनरली बाउंड्री वॉल्स वगैरह बनाने में काम आती है, जो कि स्टोन ब्लॉक्स का एक रिप्लेसमेंट है, जिसको हम छोटा छोटा फाइन या फिर ग्रेट पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स या फिर कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स की मिलकर भी बना सकते हैं, जहां पे मुझे स्ट्रेंथ का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक्स है, इन ब्रिक्स का जो अपीयरेंस है, इन ब्रिक्स का जो लुक है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन विद द कन्वेंशनल ब्रिक्स। आप खुद देखिए स्क्रीन पे कि ये जो ब्रिक्स है ये आपको ज्यादा अच्छी दिख रही है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सस्ते भी पड़ेंगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेंगी, आपको अपीयरेंस भी अच्छा देगा, एस्थेटिक वो भी मिलेगा, साथ ही साथ ये आपका ज्यादा एरिया भी कवर करेंगी एज कंपेरिजन अपीयरेंस एज कंपेरिजन विद द कन्वेंशनल ब्रिक्स। सो दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स इज नोन एज प्रीकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स और द ब्रिक्स, जिसको हम लंबी लंबी फॉर्म्स में यूज करेंगे। सो आई होप दिस आर द फ्यू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स दैट इज क्लियर टू यू। ये हमारे लिए कॉस्ट सेविंग का काम भी करेंगे, साथ ही साथ हमारे लिए अल्टीमेटली कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करते हुए हमारे रिसोर्सेस को सेव करने की कोशिश करेंगे। सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।